के त्योहार पर बाजारों में खासा उत्साह रहता है, लेकिन इस बार पूरे विश्व में कोरोना वायरस के चलते हर कोई डरा हुआ है। वहीं महू शहर में भी त्योहारों पर बाजारों में काफी मंदी नजर आ रही है। महू में कोरोना वायरस के कारण कई लोग मास्क लगाकर बाजारों में घूम रहे हैं। वहीं होली पर्व पर भी इस वायरस की मार पड़ रही है, लोग रंग खरीदने से भी डर रहे हैं। आपको बता दें कि होली को लेकर इस बार कई रंगों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है और साथ ही साथ लोगों से अपील भी की गई है कि चाइना की कोई भी सामग्री ना खरीदे और इस वायरस से बचने के लिए किस तरह सक्रिय रहना है इसके लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इंदौर से संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। दादा बताएं कि ये कोरोना वायरस से आपके धंधे में फर्क पड़ा? हाँ, बहुत ज्यादा फर्क। कोरोना वायरस के कारण लोग बाजारों में नहीं आ रहे हैं, इससे डर रहे हैं खरीदने से भी। ये आप क्या बेचते हो? ये हार है इसका नाम, ये पूजा के काम में आते हैं। अब इसको आधे से ज्यादा लोग भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस का इतना भयंकर प्रकोप है कि लोग बाजार में आने से डर रहे हैं, खाने से डर रहे हैं इसको। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें यही है कि साहब कोरोना वायरस बहुत भयंकर महामारी दे दी है, हर आदमी परेशान है, दुखी है, हम धंधे वाले भी परेशान हैं। आपका नाम बता दें। मेरा नाम कैलाश गर्ग है। इस साल और हर साल के अंदर कोरोना वायरस को लेकर जो इंडिया में खबरें आ रही है और फिर उस हिसाब से जो चल रहा है उस हिसाब से 50% व्यापार में फ़र्क पड़ा। बस ये लोगों से मेरी ये विनती है कि आप इस होली से घबराए ना और हर्बल गुलाल के साथ में होली खेलें और नेचुरल कलर है गुलालों के साथ रंग के साथ भले ही ना खेलें, पानी की भी बचत करें आप और इसको बहुत अच्छे तरीके से खेलें और घबराए ना। ये देश का त्यौहार है और इसको हम हिंदू त्यौहार के मान्यता से हर साल बनाते हैं और उसको हमेशा बनाए रखते हैं। ये जो देश में कोरोना वायरस चल रहा है इसकी वजह से आपका बिजनेस धंधा कम चल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बहुत फर्क आया है इससे और इससे इस धंधे को लेकर हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं क्योंकि अभी व्यापार अब कल होली है और अभी तक के कोई व्यापार के आते पते नहीं है तो उसको लेकर हम चिंता में। बस ये है कि आप हर्बल और नेचुरल चाइना के कोई कलर से ना लें और कहीं से भी लें आप कलर, बस अच्छे से लें और हर्बल लें। आपका नाम बताएं। राजेश। फ़र्क तो पड़ता है कोई भी इसी मतलब बात होती है तो फ़र्क तो पड़ता ही है, लेकिन अपनों को भी मतलब संयम बना के व्यापार करना पड़ता है और त्यौहार एक दिन का होता है, आदमी खरीदता बिकता है सब होता है व्यवस्थित। दूसरी चीज़ कोरोना वायरस के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा सभी होली खेलने वालों से, सभी मतलब अपने समाजजनों से कि मतलब कोरोना वायरस में जैसे अभी तक गुलाल वगैरह से ही होली बनाएं और दूसरी चीज़ केमिकल वाले रंग यूज़ ना करें। दूसरी चीज़ मतलब आप भी कोई चाइना के कलर या पेशकारी बेच रहे हो? नहीं सर, हमने चाइना का कुछ भी आइटम नहीं रखा है, सब इंडियन ही है। भले ही कॉस्ट महंगी पड़ी है, 50 वाली चीज़ 70 की मिल रही है, चाइना में एक रुपये की। धंधे में कितना फ़र्क पड़ा होगा? धंधे में तो सर अभी आपके सामने बैठे ही हैं, गिराकी धीरे धीरे चल रही है, नहीं तो अभी तक हमारा माल आधा हो जाता है पर अभी दुकान पूरी भरी है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम संतोष खरे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.